हम लोग स्टडी करेंगे मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ एओ एओए एओ ए का फुल फॉर्म क्या हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हाँ बिल्कुल सही बात है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन का जैसे हम लोग देखे थे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है उसी एसेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ एओए भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है मतलब है क्या तो एओए होता है कंपनी का कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ कैसे कंपनी चलेगी किसकी क्या ड्यूटी होगी किसकी क्या राइट्स होगी किसको कैसे अपॉइंट uh, होगा कौन कहाँ से आएगा कैसे क्या होगा डायरेक्टर कैसे बनेगा ऑडिटर कैसे बनेगा ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी में कोई भी परिवर्तन करना हो कोई भी काम करनी हो तो उसके लिए एक रूल्स बना के रखी गई है उस रूल बुक को ही हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो कैपिटल हम लोग कैश में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं कैश को डेबिट करते हैं ये हम कहाँ से देखे थे अकाउंटिंग रूल में हम देखे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग रूल है उसको फॉलो करके हम इस ट्रांजेक्शन का जनर एंट्री करते हैं सेम उसी टाइप से अकाउंटिंग ऑफ ए यहाँ पर तुम्हारा कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना हो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक के बेस पे ही लेंगे ये रूल बुक है तुम्हारा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है

एक्टिविटी uh, होता है उसके लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका है, है. बढ़ते हैं देखो इसी पे और भी इंट्रोड्यूस किया गया है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द कंसर्न विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड एम एट कैरिंग आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एज मेंशन इन द मेमोरेंडम इंटरनल आर्टिकल क्या है तो कंसर्न किससे होता है तो इंटरनल मैनेजमेंट से होता है वो किस लिए? तो जो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया था उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे इंटरनल मैनेजमेंट इस टाइप से की जाए उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया जाए उसके लिए जो डिफाइन की जाती है डिजाइन की जाती है वही आर्टिकल है दिस डिफाइन द द गाइडलाइंस ऑफ हाउ द टास्क इज टू बी कैरिड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कवर द information रिलेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग वोटिंग राइट बोर्ड प्रोसीडिंग etc. क्या मैटर होती है क्या होती है तो उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा कौन होंगे जनरल मीटिंग कब होगी कैसे कॉल की जाएगी कौन कॉल कर सकता है वोटिंग राइट किसके पास होगा बोर्ड प्रोसीडिंग कैसे मेंटेन की जाएगी ये सारी चीजें तुमको यहाँ पर मेंशन हो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शेयर होल्डर एंड द ऑर्गेनाइजेशन बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है शेयर होल्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर होल्डर यानी मेंबर ऑफ द कंपनी दूसरी लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि सर ऑनर ऑफ द कंपनी कंपनी के मेन ऑनर जो है हाँ शेयर होल्डर ही तो कंपनी के ऑनर होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑनर ना बोल के मेंबर बोलते हैं क्योंकि मेंबर यहाँ ट्रांसफर हो सकता है शेयर ट्रांसफर जैसे हुआ तो क्या होगा कि मेंबर ट्रांसफर हो गए इसीलिए ऑनर नहीं बोलते हैं मेंबर बोलते हैं तो मेंबर ऑफ कंपनी और कंपनी के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करता है उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कैसे क्या हैंडल होगा कौन सी चीजें कैसे मेंटेन होगी उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाती है वही है आर्टिकल दिस डॉक्यूमेंट ऑफ डिफाइन द मैनर इन विच द शेयर आर टू इशूड किस बेस पे शेयर इशू की जाएगी डिविडेंड टू तो बी पेड कब डिविडेंड पे की जाएगी डिविडेंड पे करने का सिस्टम क्या होगा डिविडेंड कैसे निर्धारित की जाएगी एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटेड एंड द पावर टू बी गिवन द शेयर होल्डर विद द वोटिंग राइट ऑडिटर कैसे होगा ऑडिट का ऑडिटिंग uh, कैसे करेंगे ऑडिट का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट होगा वो क्या प्रोसेस होगी मीन्स कहने का मतलब कंप्लीट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को यहाँ पर आर्टिकल आर्टिकल बोला गया है ये सारी चीजें में मेंशन होगी जैसा हम देखते हैं कि जैसे इंडिया को चलाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना है भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है क्यों क्योंकि इंडियन इं, इं, इंडियन इंडिया सरकार को सही तरीके से गवर्नेंस करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है क्या अगर यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होगा कौन कैसा बिहेव करेगा कैसे रहेंगे अगर कोई गलती करता है तो उसको कैसे पनिशमेंट मिलेगा किस एक्ट के तहत वो गलती माना जाएगा किस एक्ट के तहत उसकी क्या पनिशमेंट होगी ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेंशन किया हुआ है तभी ना हमारा लोकतांत्रिक देश इतना स्मूथली चल रहा है उसका रीजन क्या है कि संविधान को फॉलो करके और उसके बेस पे हमारा कंट्री चल रहा है तो उसी तरह से कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का भी संविधान बनाना होगा कंस्टिट्यूशन बनाना होगा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा लॉ बनाना होगा जिसके बेस पे कंपनी चलेगी वही है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बेस पे कंपनी चलेगी अब देखो यहाँ पर कि आर्टिकल किस किस कंपनी के लिए जरूरत होता हैिटी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अ कंपनी टू हैव देयर ऑन आर्टिकल्स किसके लिए भैया तो अनलिमिटेड कंपनीज के लिए कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के लिए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होल्डर के लिए तो ये सारी चीजें हम लोग तो टाइप्स ऑफ कंपनी पहले पढ़े हैं इन लोगों के लिए कंपन कंपलसरी होता है आर्टिकल अब देखो पब्लिक कंपनी के लिए सर पूछोगे कि नहीं होता नहीं पब्लिक कंपनी के लिए भी होता है आर्टिकल वो भी बनाते हैं लेकिन इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल पब्लिक कंपनी टेबल ए को फॉलो करता है टेबल ए मेंशन किया जाता है जिसमें आर्टिकल की सारी डिटेल होती है आर्टिकल की रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उसको टेबल ए को फॉलो करता है इन एब्सेंस ऑफ पब्लिक कंपनी इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल बट इन लोगों के लिए कंपलसरी है आर्टिकल अपना होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय ही रजिस्ट्रार ऑफिस में इन लोगों को जिस तरह से मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल भी सबमिट करना होता है क्योंकि उसी के बेस पे कंपनी चलेगी अगर वही सबमिट नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी कैसे पता चलेगी कि कंपनी कैसे चलाना है क्या करना है नहीं करना है उन सारी चीजों की जानकारी कैसे पता हो इसलिए आर्टिकल इनको सबमिट करना होता है रजिस्ट्रेशन के समय आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कंटेंट है आगे इसके क्या है कंटेंट है यानी मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेंट क्लास ऑफ शेयर ल्यू एंड राइट अटे टूच ऑफ दे सबसे पहला कंटेंट बोला गया क्लास ऑफ शेयर शेयर किस किस टाइप की होगी क्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी राइट्स क्या होगी किस तरह से उसकी ऑथोरिटी होगी वो सारी चीजों के यहाँ डिस्कस किया जाएगा शेयर रिगार्डिंग एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्स ऑन शेयर ट्रांसफर ऑफ द शेयर फॉर फ्यूचर कन्वर्सन ऑफ शेयर एंड कब कब पैसा मांगना है अगर एप्लीकेशन के लिए आपने ऑफर किया है शेयर को तो एप्लीकेशन का कितना ड्यूरेशन में एप्लीकेशन के लिए आप डेट दे सकते हो अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होगा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या करोगे अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या करोगे उसके बाद

वहाँ मेंशन की जाएगी डिवेंचर को प्रिफ्रेंस शेयर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा ये सारी चीजें इवें इवेन ये भी कि मेमोरेंडम में जो एक तुम्हारा क्लाउज था मेमोरेंडम में एक कंटेंट था क्लाउज था कैपिटल क्लाउज जिसमें बताई गई थी कि कैपिटल पहले डिक्लेरेशन करना होगा तो यहाँ पर तुमको ये भी दिया हुआ है कैपिटल को कैसे अल्ट्रेस करोगे अल्टर करोगे उसकी भी डिटेल यहाँ पर है दैट्स मीन मेमोरेंडम में अगर तुमको अल्टर करना हो तो आर्टिकल में उसकी मैंने पहले से मेंशन होना चाहिए कि मेमोरेंडम को अल्टर करने का प्रोसेस क्या होगा कैपिटल क्लाउस को ये सारी चीज़ें भी है वहां पर नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर्स देयर अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटीज डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसके बाद डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होगी डायरेक्टर की लाइबिलिटीज़ एंड उसकी राइट्स क्या होगी इन सारी चीजों की डिटेल वहाँ की रही होगी रूल है, रेगुलेशन इसी के बेस पे चलना है ना इसीलिए वहां पर ये सारी चीजें मेंशन होगी। मीटिंग एंड नोटिस मीटिंग कब होगा उसकी माइनट कैसे तैयार होगी मीटिंग की जो रिपोर्टिंग तैयार होती है वो कैसे तैयार होगी उसकी नोटिफिकेशन कैसे निकलेगा नोटिफिकेशन का प्रोसीडिंग क्या होगी ईच एंड एवरी थिंग नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट एंड ऑडिट अकाउंट कैसे की जाएगी ऑडिट कैसे की जाएगी अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होगी ऑडिटिंग की प्रोसेस क्या होगी ये सारी चीजें हैं नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एंड रेमुनरेशन ऑफ टू ऑडिटर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी उसको रेमुनरेशन कैसे पे करेंगे ये भी यहाँ मेंशन किया रहेगा आर्टिकल में ये मेंशन रहेगा कि अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा जी क्या उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी ऑडिट audit, कौन ऑडिटर हो सकते हैं क्या उनकी एक्सपीरियंस की कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करना है कि तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चार साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ईच एंड एवरी थिंग वहाँ होगा उसकी रेमरेशन कैसे की जाएगी उसको रेमरेशन मंथली दी जाएगी ईयरली दी जाएगी क्या प्रोसेस होगा कितनी रेमोनरेशन होनी चाहिए ये सारी बातें आर्टिकल में होगा मेंिक्स पॉइंट था ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग पॉल्स प्रॉक्सी एक्सेट्रा वोटिंग क्या सिस्टम क्या होगा पॉल एंड प्रॉक्सी अगर कोई शेयर होल्डर नहीं पहुंच रहा है तो क्या उसके जगह कोई प्रॉक्सी जाके वहाँ पर वोटिंग राइट right है अगर है तो क्या रूल्स होगा कैसे उसको इन्फॉर्म करना होगा वो सारी चीज़ें डिविडेंड एंड रिजर्व डिविडेंड कैसे में अनाउंस होगा डिविडेंड कैसे पे होगा डिविडेंड का रेट क्या होगा कैसे निर्धारित की जाएगी इक्विटी शेयर पे डिविडेंड रिजर्व कैसे बनाई जाएगी इन सारी चीजें हैं प्रोसीड्यूर ऑफ फोर वाइंड अप वाइंड अप का प्रोसीड्यूर क्या होगा अगर कंपनी को वाइंड अप करते हैं समाप्त करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होगी ये भी तुम्हारा मेंशन होगा यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द सेंस जो हम लोग देखे थे ना सब्सक्रिप्शन क्लॉज था तुम्हारा मेमोरेंडम में तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा ये आर्टिकल में मेंशन करना है कि कम से कम सात व्यक्ति होता है तुम्हारा पब्लिक में दो व्यक्ति होता है प्राइवेट में तो उन सारी चीजों को यहाँ डिक्लेरेशन करना होगा बताना होगा एंड द रूल्स रिगार्डिंग यूज एंड कस्टडी ऑफ कॉमन सेल जो कॉमन सेल बनाई जाएगी उसकी कैसे क्या रूल होगा क्या उसकी मेंटेन uh, करने की व्यवस्था होगी वो सारी चीजें मेंशन होगी रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग कन्वर्सन ऑफ फुल्ली पैड शेयर इंटू स्टॉक शेयर को स्टॉक में हम कन्वर्ट करते हैं फुल्ली पैडअप जो शेयर होता है इक्विटी शेयर उसको हम लोग क्या करते हैं स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट होता है कि ट्रांसफ़र की सुविधा आसानी होती है ट्रांसफ़र करने में सुविधा होता है कोई शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर करने के लिए जितना थोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाए तो उसको ट्रांसफर करने में आसानी होती है ट्रांसफ़र आसानी से कर सकता है तो ट्रांसफर कर सकता है तो स्टॉक में कैसे चेंज होगा क्या उसके लिए कोई रूल है रूल्स होगा तो कैसे मेंटेन की जाएगी कब उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों की जानकारी होगी अंदर लीन ऑन शेयर शेयर जो लीन पे यानी जैसे हम लोग गिरवी रखते हैं ना तो शेयर गिरवी रखने का प्रोसेस क्या होगा लोन लेने का प्रोसेस क्या होगा ये सारी चीजें वहाँ आर्टिकल में मैंशन होगी कहने का मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी मेंशन इन आर्टिकल complete information complete rules and regulation to operate a company in a document that document is called article of association yahan hum acha se ek definition khud se nikal sakte hain ki ek aisa document जिसमें company की operation company को चलाने की जितने भी rules and regulation mention hai उस document को hum log article of association कहते हैं. article of association कहते हैं. इस तरह से हम इसको अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं कंक्लूडन में डाल भी सकते हैं कंक्लूड कर सकते हैं यही हमारा आर्टिकल है आई थिंक थैंक यू आई थिंक कंप्लीट है